तीन तलाक पर आजकल खासी बहस छिड़ी है। तीन तलाक की शिकार कुशीनगर जिले के चौरा टीकर गांव की नगमा आज गोरखनाथ मंदिर पहुंची और जनता दरबार में सीएम आदित्यनाथ से मिलकर न्याय की गुहार लगाने लगी। सीएम से मिलने के बाद बाहर निकली नगमा ने कहा कि तीन तलाक बंद होना चाहिए, क्योंकि तलाक से घर टूट जाते हैं और तलाकशुदा महिलाएं दर दर भटकने को मजबूर हो जाती हैं। सीएम से मिलने के बाद उन्हें आशा है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। तीन तलाक के मामले पर कुशीनगर की एक महिला सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आज गोरखनाथ मंदिर पहुंची। उसने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि उसके पति ने उसे डाक के द्वारा तलाक दे दिया है, जिसको लेकर वह आज योगी जी से मिलने मंदिर आई है। उसने बताया कि मेरे पति कपड़ा डायल के मास्टर का काम करते हैं। इस महिला की शादी 2012 में हुई थी और उसने बताया कि 2015 में मेरे पति ने पत्र भेजकर मुझे छोड़ दिया। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि तीन तलाक के मामले को खत्म करने की सरकार बात कर रही है, इसका मैं पक्ष लेती हूँ। अगर ये खत्म हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। देखिए ये रिपोर्ट। चौरादी घर से आए हैं हम, अपनी तीन तलाक की समस्या लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। हमने आखिरी उम्मीदें यहाँ पे लेके आए कि हमको यहाँ से न्याय मिलेगा, हमारे पति को सजा मिले। हमको तलाक डाक द्वारा दिया गया था, एक फर्जी तलाक नामा लिख कर कागज पे ऐसे ही। हमने यही उम्मीदें लगा रखा है कि हमको न्याय मिलेगा। कपड़ा डाई के मास्टर है हमारी शादी मतलब लगभग 2012 में हुई थी और 2015 में ये मुझे छोड़ दिए। अब तीन तलाक देखना मामला उठा हुआ है, तो क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? तीन तलाक का मामला जो पकड़ा हुआ है, गलत है या सही? ये सही हो रहा है। तीन तलाक का मामला जो उठा हुआ है ये सही है, उसको बंद होना ही चाहिए। खत्म होना चाहिए। आप जैसे लोगों को क्या लगता है इसको खत्म होने से न्याय मिल सकेगा? हाँ, हमको न्याय मिल सकता है, खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.